हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास विजय सिंह। मैं विजय सिंह लेकर आया हूं ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिसे सीखने के बाद आप अपने घर से कैलकुलेटर को बाहर फेंक दोगे। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका सबसे ज्यादा टाइम कैलकुलेशन में लग जाता है और आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। ये ट्रिक स्टूडेंट को भी बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो फोर्थ स्टैंडर्ड का हो, फिफ्थ का हो, सिक्स का हो या ट्वेल्थ का ही क्यों ना हो। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा देखने से ज्ञान भी आधा अधूरा ही मिलेगा। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रिक नंबर वन में क्या है, देखिए। किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीपल दोगे विद इन अ सेकेंड। क्या कहा मैंने, विद इन अ सेकेंड। देखिए, कोई एक नंबर है, लेट सपोज 48264, ठीक है, 48264, इसको हमें 5 से मल्टीपल करना है विद इन अ सेकेंड। तो देखिए, इसका आंसर होगा 241320। कितना? 241320। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए कैसे करना है, मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि ये जो 48264 है, ठीक है, 5 से हमें मल्टीपल करना है। तो आपको क्या करना है, एक जीरो यहां पे बढ़ाना है और इसको 2 से काटना है, यानी 2 का टेबल सबको आता ही है। देखिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, यानी कि जो भी वैल्यू दिया उसका आधा कर दो, पीछे 1 जीरो लगा दो, है ना शॉर्टकट। देखिए एक और करते हैं 9264, पहले इसका आधा कर दो, 9264 का आधा होता है 4632, ठीक है, उसके पीछे जीरो लगा दो, 4632, ये देखिए आंसर 4632, ठीक है। ये बड़ा वाला आप ट्राई करिए, चलिए बताइए 1264894। आप वीडियो को रोक के एक बार खुद करिए, फिर मैं आंसर चेक करता हूं, बताइए कितना होगा। कर लिया आपने, इसका आधा कर लिया, इसका आंसर आएगा 6324470। देखिए, मैं भी आपके साथ साथ कर रहा हूं, बहुत ही आसान है, इसका हाफ करना है, पीछे जीरो लगाना है ना, मजेदार ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। एक नंबर, बहुत बढ़िया। टेक नंबर टू हमारा क्या है, टेक नंबर टू है एनी नंबर को मल्टीपल करना है 25 से। किसी भी नंबर को, दुनिया का किसी भी नंबर को 25 से मल्टीपल करेंगे, वो भी कुछ ही सेकंड में। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8492 को, 8492 को 25 से मल्टीपल करना है। सवाल देखा, आंसर लिख दिया, आंसर है इसका 212300। क्या बोला मैंने, 212300, बहुत आसान है। देखिए मैं सिखाता हूं इसको, इसमें कैसा ट्रिक लगा है। इसमें ये जो नंबर है ना 8492, ठीक है, किससे मल्टीपल करना है, 25 से। तो 25 में कितना डिजिट है, दो डिजिट है, तो 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इससे पहले 5 में कितना डिजिट था, 1 डिजिट, तो 1 जीरो लगाया था। और इसको डिवाइड देना है 4 से, कितने से, 4 से, 4 का टेबल सबको आता है, 4 से कैंसिल करिए, 4 4 दुनी 8, 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 1 इधर आएगा 4 3 12, पीछे के 2 जीरो, ये देखिए 212300, है ना सेम आंसर। चलिए अब आप एक खुद करके दिखाइए, ये वाला 48128 को 25 से करना है, बताइए। वीडियो को रोक के पहले एक बार ट्राई करिए, फिर मैं इसका आंसर वेरीफाई कराऊंगा, बताइए। निकाल लिया, इसका आंसर है 1203200, 1203200। देखिए मैं भी आपके साथ साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये रहा, बहुत आसान है, 4 से डिवाइड दे दीजिए, पीछे 2 जीरो लगाइए, ठीक है। चलिए एक और करना है, चलिए एक और कर लेते हैं, बताइए, एक और कर लेते हैं, बताइए 1684921, बताइए इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है 4212300, 4212300, ठीक है। ये देखिए कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। ये जो है 1684921 को पीछे जो है 2 जीरो लगा देना है और 4 से डिवाइड करनी है, 4 से, देखिए 4 चौक 16, 4 दुनी 8, 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 1 इधर आ जाएगा, 4 3 12, और 2 जीरो लगा दीजिए, है ना, बिल्कुल मजेदार ट्रिक। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। चलिए ट्रिक नंबर थ्री क्या है, एनी नंबर मल्टीपल बाय 125। किसी भी नंबर को जब आप 125 से मल्टीपल करेंगे तो उसका आंसर विद इन अ सेकेंड आप निकालेंगे। जी हाँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2568 को जब आप 125 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 321000, 321000। देखिए बहुत आसान है,
क्या करना है, ये जो नंबर है 2568, ये जो नंबर है इसको हमें 125 से मल्टीपल करना है। 125 में कितने डिजिट होते हैं, तीन डिजिट, तो आप तीन जीरो लगाइए, ठीक है। कितने जीरो लगाएंगे, तीन जीरो। उसके बाद इसको डिवाइड करना है आठ से, ठीक है। आठ से डिवाइड सबको आता है, आठ से डिवाइड करिए। आठ से डिवाइड करेंगे तो आठ, आठ तीन चौबीस, एक इधर आएगा आठ दूनी सोलह, आठ एकम आठ, और तीन जीरो लगा दिया, है ना मजेदार ट्रिक। चलिए एक और सवाल करते हैं, ठीक है, एक बड़ा सवाल ले लेते हैं। चलिए बड़ा सवाल ले लेते हैं, ये देखिए 3487589 6 को मल्टीपल करना है 125 से। देखिए इतने बड़े सवाल को जब आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक से देखिए इसका आंसर निकल चुका है, दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी है। 4359487000 आएगा इसका आंसर, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो कैसे निकाला है, अगर मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, जो ट्रिक है उससे करके दिखाता हूं मैं आपको, कि जो ये नंबर है 3487589 6 है ना, ये 7 है, आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन करना। देखो ये तो मैं आपको सिखाने के लिए करके दिखा रहा हूं, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करनी है। 8 से डिवाइड दे दीजिए इसको, 8, 8 से जाएगा 8 चौक 32, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 8 तीन 24, 4 इधर आ जाएगा, 8 पंचे 40, 7 इधर आ जाएगा, 8 निम 72, 3 इधर आ जाएगा, 8 चौक फिर 32, 6 इधर आ जाएगा, 69 हो जाएगा ना, तो 8 8 जा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, फिर कितना आएगा 64 का 5 इधर आ जाएगा, 8 7 जा, फिर 3 0 लगाना आपको, 1 2 3, ठीक है। देखिए इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट में होगा, मेरा काम है ट्रिक सिखाना, प्रैक्टिस आपको खुद ही करना पड़ेगा, जब ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हो गया, एक और करना है आपको, चलिए एक और कर लेते हैं, एक और बताइए 968424 मल्टीपल 125। वीडियो को रोक के पहले इसको करो, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर है, वीडियो को रोको इसको ट्राई करो पहले, ठीक है। निकल गया आंसर, इसका आंसर है 1210530, ठीक है, ये देखिए 1210530, वही आठ से डिवाइड पीछे तीन जीरो, आठ से डिवाइड पीछे तीन जीरो, ओके। चलिए ट्रिक नंबर फोर, अब हम करते हैं ट्रिक नंबर फोर। देखिए ट्रिक नंबर फोर क्या है, अब हम जो है इसमें दो डिजिट वाला ले लेते हैं, ठीक है, एक, चलो एक और सवाल लेते हैं, ये दो सवाल हमने ले लिया, ठीक है। इसमें करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये पहले वाला ले लेते हैं, चलो ये 53 वाला ले लेते हैं, जैसे 53 है, 53 है, इसको हमें मल्टीपल करना है 57 से, है ना। तो करना क्या होता है कि जो भी ये नंबर होगा उससे एक नंबर बड़ा लेना है, यानी कि 6, 5 है तो 6 लेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे 5 6 30, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और लास्ट डिजिट को करना है 3 7 21, ठीक है, तो 30 और 21 यानी 3021 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो लेट मी चेक, देखिए इसका आंसर आ गया, इसका आंसर है ना। ऐसे ऊपर वाला आप करिए, ऊपर वाला कैसे करेंगे, ऊपर वाला 6268, एक नंबर ज्यादा ले लिया हमने, 7 6 7 42, ये 42 आ जाएगा, और 2 8 16, ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्या तीन डिजिट में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखिए तीन डिजिट वाला में करते हैं, तीन में 117 को हमें करना है 100 कितने से 13 से, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपका आएगा 13221, कितना बोला मैंने 13221, लेट मी चेक, ठीक है। तो देखिए 17, इसको 12 से करिए, 11 है ना, 12 से करिए, तो ये हो जाएगा 132, और पीछे 7 3 21, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, 13221, ये देखिए, ठीक है। तो इस सवाल में ना कंडीशन है, मैं आपको बता दूं ये सवाल में कंडीशन क्या है, कि जो फर्स्ट डिजिट है, ये जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, फर्स्ट डिजिट आपका जो है सेम होना चाहिए, और जो लास्ट डिजिट है उसका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तभी ये जो है मेथड, ये जो ट्रिक है ये काम करेगा। फर्स्ट डिजिट सेम होनी चाहिए और लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, दोनों का सम 10 होनी चाहिए, ठीक है, दोनों का सम 10 होनी चाहिए, है ना। एक और करना है क्या, हो गया, एक और करना है, चलिए बताइए 48 और 42 को करेंगे, तो इसका आंसर बताइए, मन में करिए, जी बिल्कुल सही निकाला है, 2016 होगा, कितना होगा 2016, 4 से एक बड़ा नंबर लिख दीजिए, 5, 4 पंचे 20, ये 20 आ गया शुरू में, और 8 टू जो 16, बहुत आसान है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 5, देखिए ट्रिक नंबर 5 में क्या, ट्रिक नंबर 5 में जो है
किसी भी नंबर को अब हमें 999 से मल्टीप्लाई करना है। सवाल देखा आंसर लिख दिया, सवाल देखा आंसर लिख दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 845 को 999 से करना है, तो इसका आंसर आ गया 844155, है ना, बहुत आसान है। देखिए कैसे ये ट्रिक कैसे करते हैं, 845 को हमें करना है 999 से, तो करना क्या है कि जो भी ये नंबर होगा ना आपको उससे एक नंबर कम करना है। जैसे 845 है तो 844 ले लीजिए, 800 मैंने कितना लिया 44 ले लिया, उसके बाद इनको माइनस करना है, ठीक है। 8 में 9 में से 8 गया 1 आएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, आ गया आंसर, है ना। तो देखिए ये करके दिखाने में टाइम लग रहा है, जब आप कैलकुलेशन करोगे और दिमाग में ही करना ये सारी चीजें विद इन अ प्रैक्टिस, ठीक है। एक और करके दिखाइए, चला एक और करके दिखाइए, 742 को 999 से करना है, तो इसमें आंसर बताइए पहले। जी निकल गया जी, इसका आंसर है ये देखिए 741258, ठीक है ना, वही ट्रिक लगाया। क्या किया इसमें हमने, जो ये 742 है उसमें एक कम कर दीजिए, 741 कर दीजिए, और 1 करने का इसमें से माइनस करना है, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, यही आपका आंसर है ना। आंसर हो गया, समझ में आ गया, ट्रिक 6 में आए, एक और करना है, चलिए एक और, इसका आंसर आप बताइए, एक और करिए, 675 को 999 से करना है। वीडियो को रोकिए, इसको करिए, फिर कमेंट करिए, बताइए 675 को 999 से मल्टीपल करना है, बिल्कुल सही है, 674325, बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छा कर लग रहा है तो आपको लाइक करते जाना है, शेयर करना है वीडियो में, ठीक है ना, शेयर करते जाइए। ओके, अब हम करते हैं ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में क्या है, ट्रिक नंबर 6 में है कि किसी भी नंबर को 111 से मल्टीपल करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, दुनिया के किसी भी नंबर को 111 से कैसे करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया 432 को 111 से करना है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 47952। क्या बोला मैंने, 47952, बहुत आसान है। देखिए कैसे किया, मैं बताता हूं आपको, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, मैं बता रहा हूं, एंड तक बनी रही है, दो ट्रिक और है, 8 ट्रिक है टोटल। 432111 से जैसे ये जो पहला नंबर है इसको आप सेम लिखिए, 4 का 4 उतारिए, उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करिए, 4 और 3 7 होगा सॉरी, उसके बाद इन तीनों को ऐड करिए, है ना, 4 और 3 7 और 2 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 4 को उठा के इन दोनों को ऐड करना है, 3 और 2 5, फिर ये 2 अकेला आंसर आ गया, ठीक है। तो रूल कौन सा लग रहा है इसमें, 1 2 3 2 1, ये वाला रूल है, 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, ठीक है। एक और सवाल करें, चलिए एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल है, 152 को 111 से करना है, ठीक है, तो आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा, पहला वाला तो सेम लिखेंगे हम, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, पहला वाला जो है 1 का 1 आएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, फिर 152 कितना हो जाएगा 8, फिर 5 1 को छोड़ना है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, फिर 2, ये आंसर आएगा 168 72, लेट मी चेक, ये देखिए इसका आंसर 168 72, हो गया, समझ में आ गया। ये और करना है, चलो एक और कर लो, 2 3 4 को 111 से करेंगे, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 25974। कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए, बिल्कुल फटाफट 25974, बहुत बढ़िया। चलिए ट्रिक नंबर 7, देखिए ट्रिक नंबर 7 में क्या है, हमें कोई दो वैल्यू लेनी है जो 100 से छोटी है, यानी कि जैसे 92 और 97 लिया, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, ये देखिए 92 जो है 100 से कितना छोटा है, आप कहोगे सर ये 8 छोटा है, 97 100 से कितना छोटा है, ये 3 छोटा है। तो देखिए करना क्या है, या तो आप इसमें से इसको माइनस करिए या आप इसमें से इसको माइनस करिए, दोनों ही केस में सेम वैल्यू आएगी, 92 में से 3 जाएगा तब भी 89 आएगा, या फिर 97 में 8 जाएगा तब भी 89 आएगा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीपल, 8 3 24, आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक और करना है, चलिए एक और कर लेते हैं, एक और वैल्यू 95 को 96 से करना है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 9120। क्या कहा मैंने, 9120, कैसे करना है, सबसे पहले आप देखेंगे ये कितना कम है, ये 5 कम है, ये कितना कम है, ये 4 कम है, 96 100 से 4 कम है, या तो आप इसमें से माइनस करिए या इसमें से माइनस करिए, 95 में 4 जाएगा तो 91 आएगा, उसके बाद 4 5 20, ठीक है, 5 4 20, 9120 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये देखिए एक और सवाल ले लेते हैं,
चलिए एक और सवाल है, बताइए 94 को 98 से आप करके दिखाइए, बताइए कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 9212। ये देखिए कैसे क्या है, 94 कितना कम है भाई, 6 कम है, 92 कितना कम है, 2 कम है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 94 में 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 92। ओके, 6 दूनी 12, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। 8 ट्रिक में आ जाए, एक और करना चाहते हो, चलो एक और कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। 96 को 99 से करिए, करिए जरा इसको करके बताइए, वीडियो को रोकिए, इसको खुद करिए पहले, यस, उसके बाद आंसर चेक करिए। इसका आंसर आएगा 9504। ये देखिए 96 कितना कम है, 4 कम है, 99 कितना कम है, 1 कम है। या तो इसमें से माइनस करिए, इसमें से माइनस करिए, ठीक है। तो 96 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा, 4 1 4। ये देखिए ये राइट आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अब आपको कहे सर जी क्या 100 से नीचे वाला तो आपने बता दिया, क्या कोई ऐसा ट्रिक है जो 100 से ऊपर भी काम करे? बिल्कुल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिक नंबर 8 को देखना पड़ेगा। चलिए ट्रिक नंबर 8 करते हैं, जो 100 से ऊपर वाले को करते हैं, ठीक है। तो 102 को 104 से करना, ये क्या है, मल्टीपल मोर देन 100 वाला है, मल्टीपल ऑफ मोर देन 100 वाला है। तो 102 को जब 104 से करेंगे, सवाल देखा, आंसर आ गया मेरा 10608, ठीक है, 10608। कितना आंसर आ गया, 10608। कैसे निकाला, बहुत आसान है, सेम ट्रिक है जो 7 में लगाया था, वही ट्रिक है, उसमें कम था इसमें ज्यादा है। 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। या तो इसमें ये ऐड करिए, या तो इसमें ये ऐड करिए, दोनों केस में सेम आएगा। 102 में 4 प्लस करते हैं तो 106 आएगा, ये 104 में 2 प्लस करते हैं तो 106 आएगा, ये मैंने लिख दिया 106। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 2 8, देखिए ये आपका आंसर आ गया, समझ में आई बात। हाँ, एक और करना है, चलिए एक और सवाल बताइए, 106 को 109 से, ये आप करिए, बताइए इसका आंसर कितना आया। इसका आंसर आएगा 11554, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक और करना है, चलिए एक और बताइए, 103 को 106 से करेंगे तो कितना आएगा, 10918। ये कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए, देखिए मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं, प्रैक्टिस मैंने बोला है शुरू से ही, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये कितना ज्यादा है भाई, ये 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 103 में 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 109 आएगा, और उसके बाद 6 3 18, ये देखिए आंसर 10918, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करो, और ऐसे और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।